Hello dear friends, welcome to Examsita 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste our time, let's start the video. So dear students, today our poem is Heroism and Valor. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पोयम है इसके पोइटिस हैं फेलिशिया डोरोथिया हेमंस. इनकी ये जो पोयम है ये ट्रू इंसिडेंट पर आधारित है. इस पोयम के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं वो है कैशबियांका. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दैट हु इज कैशबियांका. तो आपको शायद पता होगा गाइस कि सन 1798 मतलब 1798 के समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक बैटल हुआ था, जिस बैटल में हमारे फ्रांस काफ़ी भयावह एक युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी फ्रांस वॉरशिप के एडमिरल, उनका एक बेटा था जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 12 साल की थी, उसने भी उस वॉर में अपना थोड़ा बहुत सहयोग दिया था. तो उस 12 साल के लड़के ने किस तरह उस जलती हुई शिप पर खड़े रहकर अपनी बहादुरी दिखाई और किस तरह आगे आने वाली कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, हम इस पोयम में आज समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. ऑलराइट गाइस, सो नाउ अब हम अपनी पोयम का फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक वंस ऑल बट ही हैड फ्रेड. द फ्लेम दैट लिट द बैटल स्ट्रेक शोन राउंड हिम ओवर द डेड. सो स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे एडमिरल हैं उन्होंने अपने 12 साल के लड़के कैशबियांका को एक आदेश का पालन करने के लिए कहा है. उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है वो ये है कि जब तक एडमिरल अपने बेटे को आवाज़ ना दें तब तक उन्हें उस शिप की डेक पर खड़े रहना है और अपनी फ्रेंच वॉरशिप को गार्ड करना है. तो इस तरह अपने पिताजी के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं कैशबियांका. और अब हम हमारे फर्स्ट स्टैंजा को देखेंगे. सो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक वंस ऑल बट ही हैड फ्रेड. फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में हमारी पोइट्रेस बताती हैं कि कैशबियांका, जिनकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल है, वो एक फ्रेंच वॉरशिप की जहाज के बोर्ड पर खड़े हुए हैं जिस पर चारों ओर से आग ने घेरा डाला हुआ है, मतलब जिस पर चारों ओर से आग लग चुकी है. उस जहाज के सारे लोग, जिनमें से आधे लोग या तो मारे जा चुके हैं और जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं, इन सभी के अलावा कैशबियांका अभी भी उस जलती हुई जहाज की छत पर खड़े हुए हैं. द फ्लेम दैट लिट द बैटल स्ट्रेक शोन राउंड हिम ओवर द डेड. और ये आग की लपटें धीरे धीरे उस फ्रेंच वॉरशिप को जलाती जा रही हैं, नष्ट करती जा रही हैं और धीरे धीरे ये जो शिप है वो पानी में डूबती जा रही है. शोन राउंड हिम ओवर द डेड. और ये आग की लपटें धीरे धीरे पूरी जहाज पर फैलती हैं और जब ये आग की लपटें हमारे जहाज पर मारे गए हमारे फ्रेंच वॉरियर्स की डेड बॉडीज़ पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखाई देती है. तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा. नाउ स्टार्ट वाज सेकंड स्टैंजा. येट ब्यूटिफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म. सेकंड स्टैंजा में पोइटस हमें बताती हैं दैट द बॉय स्टूड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप इन स्पाइट ऑफ बर्निंग फ्लेम. कि जो कैशबियांका है उन्हें पता है कि ये जहाज जल रही है और थोड़ी ही देर में ये जहाज पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी, फिर भी कैशबियांका अभी भी उस जहाज की छत पर उसी तरह दृढ़ संकल्प से डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हुए हैं. एंड ही लुक्ड वेरी हार्डसम इन द लाइट ऑफ दिस फ्लेम. और जब आग की ये लपटें उनके फेस पर पड़ती हैं, उनकी बॉडी के पास पड़ती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्डसम दिखाई देते हैं, जिसका मतलब हम सीधे से कह दें कि जैसे कि एक वॉरियर होता है, ट्रू वॉरियर ऑफ द सेप, जब कैशबियांका के ऊपर ये आग की लपटें पड़ती हैं और हम जब
पोइटस बताती हैं कि जिस तरीके से आग की लपटों के बीच में कैश्यप बियांका उस जहाज़ की छत पर खड़े थे और आग की लपटें जब उनकी बॉडी को छूकर चली जाती हैं, वो जो एक दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। मतलब एक ऐसा हीरोइक फॉर्म वहाँ पर देखने को मिलता है जो दिल छू जाने वाला है कि 12 साल का एक लड़का जो अपने डर को अपने दिल से निकाल चुका है और अपने पिता के आदेश का उस समय भी पालन कर रहा है जबकि उसे पता है कि बहुत ही जल्द आग की लपटें उसे भी अपने साथ चला देंगी। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, इस प्रकार के हीरोइक फॉर्म को कैसे बियांका में देखकर पोइटस कहती हैं कि कैसे बियांका को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कि यह बस बिल्कुल आंधी और तूफानों पर शासन करने के लिए ही इसका जन्म हुआ है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ना तो मरने का डर है और ना ही कुछ का। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। आगे की दो लाइन में पोइटस बताती हैं कि यहाँ तक कि कैश्यप बियांका की एज अभी सिर्फ 12 साल है, वो अभी इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसकी जो बहादुरी है, उसकी नोबिलिटी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उससे उसकी नोबिलिटी, उसका जो नोबिलिटी है वो उसको उसके विरासत में मिली हो। कह देना चाहिए कि कैसे बियांका की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बिल्कुल उस डिवोशन के लिए है कि किसी ने अगर मुझे कोई आज्ञा दी है, कोई ऑर्डर दिया है, सो आई हैव टू फॉलो जब तक उनके पिता उन्हें ना कहें। सो ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। थर्ड स्टैंजा में पोइटिस बताती हैं दैट द फ्लेम्स रस्ट एट कैश्यप बियांका, बट ही हैड रिजॉल्व्ड नॉट टू लीव द प्लेस अनलेस हिज फादर परमिटेड हिम। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में पोइटिस बताती हैं कि कैसे बियांका अभी भी उन आग की लपटों के बीच में डट कर खड़े हुए उस जहाज के शिप पर खड़े हुए हैं और वो उस प्लेस को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उनके पिता उन्हें ये आदेश नहीं दे देते कि वो वहाँ से हटें या फिर ना हटें। द फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। इसका मतलब हो जाएगा दैट हिज फादर वॉज लेइंग डेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, सो हिज वॉइस कुड बी हर्ड नो मोर। लास्ट की टू लाइन्स में हमें बताया गया है कि कैसे बियांका उस जहाज की छत पर खड़े हुए अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके पिता उन्हें कहेंगे कि उनका टास्क कंप्लीट हो चुका है। वो इसलिए अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वहाँ पर खड़े हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कैसे बियांका को ये नहीं पता कि उनके पिताजी उस वॉरशिप के निचले हिस्से में अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं। अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं का मतलब कि वो बेहोशी अवस्था में वहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसके कारण कैश्यप बियांका की आवाज़ें उनके कानों तक नहीं पहुँचती। ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। नाउ फोर्थ वन, ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से, इफ येट माई टास्क इज डन। ही न्यू नॉट दैट द चीफ जन ले अनकॉन्शियस ऑफिसर। फोर्थ स्टैंजा में बताया गया है दैट द बॉय कॉल्ड हिज फादर इन अ लाउड वॉइस, ही आस्क्ड वेदर द ड्यूटी असाइंड टू हिम वॉज कम्प्लीट और नॉट। He did not know that the common of commander of the ship was unaware about the condition of his son. So fourth stanza में यहाँ पर बताया गया है कि पोइटिस कहती हैं कि जो कैसे बियांका हैं वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में अपने पिता को बुलाते हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा तेज़ी की आवाज़ से अपने पिता को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे बताएं क्या मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है या मुझे अभी और यहाँ पर ड्यूटी करनी है। वो इस उम्मीद में अपने पिता को आवाज़ लगाते हैं कि अब उनके पिता उन्हें कोई दूसरा ऑर्डर देंगे या फिर बताएंगे कि उनकी ड्यूटी अभी कंप्लीट हुई है या नहीं। बट ही न्यू नॉट दैट द चीफ्टन ले अनकॉन्शियस ऑफिसर। लेकिन कैसे बियांका को इस बात की भनक या फिर खबर तक नहीं है कि उनके पिताजी उस शिप के नीचे के हिस्से में अनकॉन्शियस लेटे हुए हैं और उनके पिता को इतना भी पता नहीं कि उनका बेटा किस कंडीशन में जहाज़ की छत पे खड़ा हुआ है। मतलब देखिए, अब एक ऐसी कंडीशन है कि कैश्यप बियांका जहाज़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे खड़े हुए हैं और अपनी शिप को क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं।
और उनके पिता जहाज के सबसे निचले हिस्से में हैं, जो मतलब वॉर बैटल करते करते शायद वो बेहोश हो चुके हैं, अनकॉन्शियस। और तो अब उन्हें नहीं, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब उन्हें ये नॉलेज नहीं है ना कि उनका बेटा कैसी कंडीशन में है। अगर वो कॉन्शियस होते तो वो अपने बेटे को बोल देते कि बेटा तुम भी यहाँ आ जाओ या फिर तुम अपनी जान बचाकर भागो, लेकिन उन्हें अपने बेटे के बारे में, कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को कोई भी ऑर्डर या फिर परमिशन नहीं दे पाते। नेक्स्ट एंजल, इस पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गॉन एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्रेम्स रोल्ड ऑन। नेक्स्ट एंजल में पोइटिस बताती हैं दैट द बॉय अगेन क्राइड एंड आस्क हिज फादर इफ ही कुड गो। यहाँ पर पोइटिस कहती है कि लड़का एक बार फिर अपने पिता को तेज आवाजों से पुकारता है और उनसे पूछता है कि पिताजी क्या मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। He wanted to see Mia, but his voice was drowned in the midst of heavy noise of guns and the flames rushed on very fast. नेक्स्ट लाइन्स में पोइटस बताती हैं कि लड़का और भी कुछ बोलना चाहता है अपने पिता से, लेकिन जब वो बोलता है उसी समय गन की और आग की लपटों से, अब जब आग लगी हुई है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बर्स्ट हो रही हैं, तोपें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, उनकी आवाज़ में कैश्यप बियांका की आवाज़ दब जाती है और उनके पिता के कानों तक नहीं पहुँच पाती है। इस तरीके से कैसे बयान का अभी भी उस जल्दी हुई जहाज़ की छत पर खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई भी आवाज़ उनके पिता के कानों तक नहीं जा पा रही है, और उन्हें लगता है कि उनके पिता ने अभी भी उन्हें परमिट नहीं दिया, तो वो अभी भी उस जहाज़ की छत पर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट एंजल, अपॉन हिज ब्रो ही फेल देयर ब्रीथ एंड इन हिज फेविंग हेयर। नेक्स्ट टू लाइन्स में पोइटिस कहती हैं कि इसी बीच आग की लपटें धीरे धीरे कैश्यप बियांका की बॉडी के पास आती हैं एंड रस्ट एट द बॉय, उस लड़के को भी आग की लपटें अपने घेरे में ले लेती हैं, और लड़के को तभी एहसास होता है उसकी, मतलब लड़के की जो ब्रीथ है, मतलब सांसें हैं, या फिर हमें कह देना चाहिए दैट ही फेल्ट देयर हीट ऑन हिज फोरहेड एंड इन वेविंग हेयर। आग की लपटें जब कैसे बियांका के ऊपर पड़ती हैं तो कैसे बियांका अपने माथे और अपने उड़ते हुए बालों में उस आग की लपटों की गर्मी को क्या कर रहे हैं, महसूस। जैसे अब आग की लपटें हमें छू जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा हीट लगता है और हम उसे फील कर लेते हैं कि आग की लपटें हमें छू रही हैं। जस्ट लाइक दैट कैसे बियांका को यहाँ पर अपने फोरहेड और उड़ते हुए बालों में जो गर्मी महसूस हो रही है, उससे उन्हें पता चलता है कि आग की लपटें अब उन्हें अपने काबू में ले रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, आई मीन नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिसअपीयर। इसका मतलब हो जाएगा दैट दो ही न्यू दैट हिज डेथ वॉज नियर बट ही स्टूड क्वाइट एंड काम। लड़के को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि जिस तरीके से आग की लपटें अब उसकी बॉडी को भी छू रही हैं, अब वो कुछ ही समय का मेहमान है, मतलब थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन अब वो लड़का बहुत ही शांति के साथ उस जहाज की छत पर अभी भी खड़ा हुआ है। लुक्ड अराउंड हिम फॉर प्लेस ऑफ डेथ विद बोल्ड हर्ट दो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। वो उस जहाज की छत पर खड़ा है अभी भी, बहुत बहादुरी के साथ खड़ा हुआ है, वो वहाँ से डगमगाया तक नहीं, बस उसके अंदर, उसके दिल में थोड़ी सी निराशा है कि मुझे मेरे पिता का कोई भी आदेश अभी तक नहीं मिला या फिर मुझे कोई परमिशन नहीं मिली, शायद मेरा टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अब शायद मुझे इस टास्क को कंप्लीट करते हुए अपनी जान देनी होगी। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई स्टे While o'er him fast through sail and shroud, the wreathing fires made way. So poetess tell that boy once again cried out in loud voice. लड़का एक बार फिर तेज आवाज से अपने पिता को बुलाता है एंड वांटेड टू नो इफ इट वाज नेसेसरी फॉर हिम टू स्टे देयर, और वो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी क्या अभी भी मुझे यहाँ पर खड़े रहना ज़रूरी है।
जस्ट देन द फ्लेम्स रश थ्रू सेल्स एंड शॉप्स. और इतना वो सोच ही रहा होता है, कह ही रहा होता है कि आग की लपटें कैसे बियांका को पूरी तरह से अपनी लपेट में, अपनी चपेट में ले लेती हैं, और धीरे धीरे शिप की जो शेल होती है और जो रशें हैं उस पर भी आग पहुंच जाती है, जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं. तो धीरे धीरे आग की लपटें अब उस शिप की सेल पर, उसकी रोप पर भी लग गई है, और वो कैशबियांका को भी अपनी लपेट में ले रही है. नेक्स्ट, द रैप्ट ऑफ द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई एंड स्ट्रेंड अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई. नेक्स्ट टेंस में पोइट्रीज बताती हैं दैट द फ्लेम्स सराउंडेड द शिप एंड कवर्ड इट ऑन ऑल साइड. अब जो आग की लपटें हैं वो पूरी तरह से जहाज को चारों ओर से कवर कर चुकी हैं. इवन रीच द फ्लैग विच वॉज फ्लाइंग वेरी हाई. आग की लपटें तो अब जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर जहाज का झंडा लहराया जाता है. They also surrounded the brave boy like the flag shadow in the sky. जिस तरह से फ्लैग की जो शेडो होती है, छाया होती है, उसको बादल अपने में पूरी तरह से नहीं कवर कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह आग की लपटें उस छोटे से लड़के को भी अपने अंदर लपेट लेती हैं. मतलब कैसे बियांका की बॉडी पर भी अब आग पूरी तरह से फैल चुकी है. नेक्स्ट, दे रैप द सिप इन, ये तो हो गया ना, हाँ ओके. नेक्स्ट टेंस है, देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड द बॉय, ओह वेयर वाज ही, आस्क ऑफ द वाइंड दैट वर अराउंड विद फ्रेगमेंट्स थ्रू द सी. नेक्स्ट टेंस में पोइट्रीज कहती हैं दैट सडनली अ लाउड नॉइज वाज हर्ड देयर एंड नो वन कैन इमेजिन दैट वेयर द बॉडी ऑफ द ब्रेव बॉय वॉज. फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में पोइटिस हमें बताती हैं कि जैसे ही आग की लपटों ने पूरी तरह से कैशबियांका को और शिप के फ्लैग को अपने कवर में लिया होता है, तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो. और उस धमाके के बाद कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि उस धमाके में उस छोटे से बच्चे की बॉडी कहाँ गई होगी. आस्क ऑफ द विंड दैट फार अराउंड विद फ्रेगमेंट्स टूवर्ड द सी. Only the winds could say which were blowing around the boy that where was he. Poetess यहाँ पर उस चलती हुई हवा से पूछना चाहती हैं, कहती हैं कि ए हवा, सिर्फ तू ही जानती है, क्योंकि तू उस लड़के के चारों ओर घूम रही थी, सिर्फ तू ही हमें बता सकती है कि उस लड़के की बॉडी कहाँ गई, क्योंकि उस जहाज में जितना कुछ था सारा का सारा कुछ आग में झुलस चुका है, एक मलबे के रूप में बहकर, मतलब एक मलवा बनकर वो नदी में बह चुका है, इसलिए अब कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता कि उस लड़के की डेड बॉडी कहाँ गई. लास्ट स्टैंज ऑफ द पोयम, विद मस्ट एंड हैम एंड पेन एंड फेयर दैट वेल हैड बोर देयर पार्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में पोइटस कहती हैं दैट पार्ट प्लेड बाय मस्ट रडर एंड अ फ्लैग फ्लाइंग ऑन मस्ट इन प्रेज वर्थी. यहाँ पर एक वर्ड आया है गाइस, मस्ट. मस्ट एक होल होता है जिस पर कपड़ा लगाकर शेल किया जाता है, सील किया जाता है हमारी शिप को. एंड सेकेंड वर्ड आया है हेम, एच ई एल एम. हेम का मतलब एक हैंडल होता है जिसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड थर्ड होता है पैनन. पैनन एक सिंबल, एक आइडेंटिटी मास्क टाइप होता है, एक फ्लैग टाइप जिसे जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है ताकि लोग उसे देखकर पहचान सकें कि ये शिप या फिर ये जहाज किसका है. तो लास्ट पैराग्राफ में पोइटस हमें स्टैंजा में बताती हैं कि इन सब की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन But the noblest thing which perished there was that young, faithful heart. यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि इस पूरी की पूरी शिप में या फिर इस पूरे के पूरे बैटल में एक सबसे noblest thing, एक सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्यारी चीज़ जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, वो है उस यंग obedient एंड disciplined heart की जो कैसे बियांका का था. तब पोइटिस इस आग की लपटों के बीच इस मलफे में कैसे बियांका की उस डेड बॉडी, उसकी डिवोशन, उसकी डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ओबीडियंट को सलाम करते हुए कहती हैं कि हमें शिप में सब कुछ मिल सकता है, हमें दुनिया में दोबारा बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन उस छोटे से लड़के के दिल में जो एक भक्ति है, डिवोशन है,
वो जितना आज्ञाकारी है इस उम्र में भी, जितना अनुशासन प्रिय है उसका जो दिल है, वैसा हमें दोबारा कुछ भी नहीं मिल सकता। और इस प्रकार वो लास्ट में कैसे बियांका की बहादुरी, उनके वैलर को सलाम करते हुए पोयम का एंड करती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स पोयम आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।